अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला बिलाल साहब के साथ। जी तो नाज़रीन, आज यहाँ पे टाउन हॉल मीटिंग हमने अरेंज की है। अभी कुर्सियाँ वगैरह सेट हो जाएंगी, बंदे आते हैं तो मिलते हैं। टाउन हॉल मीटिंग जब स्टार्ट होती है उसी में मिलते हैं। उससे पहले बंदों के फीडबैक आपके साथ शेयर करता हूँ। ये टाउन हॉल मीटिंग का क्या फ़ायदा है, क्या है और किस लिए ये अरेंज की जाती है और इसका कोई एडवांटेज भी है या नहीं। तो बंदे अभी जमा होते हैं तो आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि इस टाउन हॉल मीटिंग का कोई फ़ायदा भी हुआ है उनको या नहीं, या हम ये टाउन हॉल मीटिंग एक टाइम ज़ाया कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो खैर एक हमारे जो HR डिपार्टमेंट है उनकी एफर्ट्स हैं। फर्स्ट टाउन हॉल हुई, उसमें कुछ पॉइंट्स नोट किए गए, फिर उसके बाद दूसरी टाउन हॉल हुई तो फर्स्ट टाउन हॉल में जो भी इश्यूज थे उसको रिजॉल्व किया गया और वो बताया गया। इसी तरीके से जो हमारी थर्ड अभी टाउन हॉल हो रही है उसके अंदर जो सेकंड टाउन हॉल की जो मसले मसाइल थे उसके बारे में बताया जाएगा कि जी कौन कौन से मसले नोट किए गए थे। ये क्या पैक कर रहे हो भाई? ये असल में कुछ रिफ्रेशमेंट है, इनका इंट्रो दें। ये हमारी लकी एनर्जी के सबसे लीन बिल्डर्स में से आते हैं। ये देखिए मेरा नाम, बात ऐसे की धमाका इनका नाम है, आतंक का दूसरा नाम कामरान राव। चले ठीक है, और कितने बॉक्स तैयार हो गए? ये तकरीबन 6 हो चुके हैं और बाकी जो है अभी रिमेनिंग। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप इस टाउन हॉल मीटिंग को क्या कहते हैं कि ये इस तरह की टाउन हॉल मीटिंग्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका कितना फायदा है? अल्हम्दुलिल्लाह होनी चाहिए और माशा 3 साल से लगातार हो रही है, हमारी तीसरी टाउन हॉल मीटिंग है। आपकी क्या राय है, आपका क्या ख्याल है कि नहीं इस किस्म की जो है वो टाउन हॉल मीटिंग होनी चाहिए? क्योंकि पहली जो टाउन हॉल मीटिंग हुई थी उसमें जो हमने जो भी अपने प्रॉब्लम्स रखे थे वो हमारे मैक्सिमम जो है वो रिजॉल्व हो चुके हैं। तो इस किस्म की मीटिंग्स तो मैं कहता हूँ होती रहनी चाहिए ताकि गेट टुगेदर एक तरीके से हो जाता है, तमाम एम्प्लॉइज का जो एक अच्छा वो इन्वायरमेंट रहता है, लोगों के आपस में जो है सजेशन वगैरह मिलती हैं, काफ़ी चीज़ें जो हैं ऐसी जो हम लोग आप नहीं पता होते लेकिन लोग पर्सनली फेस कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो टाउन हॉल मीटिंग्स होती हैं वो उसमें शेयर करते हैं तो हम सारे जो है ना उसमें इंक्लूड होते हैं उनके मसाइल के साथ। तो ये एक अच्छा वो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तेरा मुझे। इसी टाउन हॉल होने जा रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है, जो पिछली टाउन हॉल्स हो चुकी हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, वो उसके उसमें जो पॉइंट्स रेज किए गए थे वो रिजॉल्व हुए नहीं हुए या अभी इन प्रोग्रेस हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे अगर आप बताएं। आई थिंक पार्शली रिजॉल्व हुए हैं और पार्शली जो है अभी भी ओपन पॉइंट है। और वीडियो यहाँ पे साथ रहना, वीडियो आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस टाउन हॉल मीटिंग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमारी कंपनी में ये किस तरह ऑर्गेनाइज की जाती है ये सब आपको दिखाते हैं। अभी इमरान भाई पूरा अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, तो मिलते हैं टाउन हॉल मीटिंग। क्योंकि इस वक्त यहाँ हमारे पास तकरीबन सब कैटेगरीज के लोग मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो बहुत मुश्किल था किसी टॉपिक को ढूंढना कि यार ऐसा कौन सा टॉपिक होना चाहिए कि जिसमें सबको फायदा हो जाए। तो फिर डिसाइड मैंने ये किया कि क्यों ना हम इस चीज़ के ऊपर देखें कि हम जब कोई भी काम करते हैं तो पीछे उसके पीछे उसका रीज़न क्या होना चाहिए ना, हमें काम करना क्यों है। अच्छा, अब उसमें यह है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे जहन में क्या होना चाहिए, क्या ये कि मैंने फलां से आगे निकलना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने फलां को पीछे धकेलना है? ऐसा भी नहीं। मैंने किसी को गिराना है, मैंने कोई चीज़ प्रूव करनी है? नेवर एवर, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए ना। किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास रीज़न जो है वो सिर्फ एक होना चाहिए कि मैंने ये काम इसलिए करना है क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है, दिस इज़ द ऑट ऑफ द टाइम, ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये काम होना चाहिए। जब भी हम इस थीम को लेके आगे चलेंगे तो फिर इससे हम सबको फायदा होगा और हमारी टीम ग्रो करेगी। हम में से बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल लेवल्स पर हैं, लेकिन उन एजुकेशनल लेवल पर हमारे होने से अगर हमारी टीम को, हमारे सबऑर्डिनेट्स को फायदा नहीं हो रहा या हम अपनी टीम को नहीं ऊपर ग्रो कर पा रहे, हम उसको नहीं ऊपर उठा पा रहे, तो यकीनी तौर पर अल्लाह तो हमें कभी माफ नहीं करने वाला कि यार एक चीज अगर आपको पता थी और आपका जो कलीग है, आपका जो टीम मेंबर है वो उस चीज से अनजान रह गया, तो फिर यकीनी तौर पर हमारी बख्शिश तो नहीं होने वाली। इसीलिए वो इल्म जो नियत ना बन सके, वो नियत जो अजम ना बन सके, वो अजम जो अमल ना बन सके, और वो अमल जो नतीजा ना ला सके, और वो नतीजा जो किसी को ग्रो ना करवा सके, जो किसी टीम को ग्रो ना करवा सके, ऐसे इल्म के बारे में अल्लाह ताला कुरान में कहता है सूरह जुमा में कम असल हिमार इन यहमिलु असवाद, कि ये इन लोगों की मिसाल उन गधों की तरह है जिन्होंने अपने ऊपर किताबें लाद रखी हैं। तो हम में से जिसे भी जो भी आता है वो उसका पहला फ़र्ज़ यह है कि यार वो चीज़ किसी दूसरे को सिखाए, वो
ऐसा ना हो कि वो उस चीज को अपने अंदर ही रख के बस बैठा रहे कि यार क्योंकि ये चीज मुझे आती है मैं किसी के ऊपर हुक्मरानी करूंगा इसे, नेवर एवर, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। हम में से सबसे पहली हमारी अव्वलीन तरजीह जो है वो ये होनी चाहिए कि यार मेरी टीम जो है वो किस तरह एजुकेट होगी। कोई की चीज़ अगर मुझे आती है या कोई चीज़ किसी भी मेंबर को आती है, उस सब का फ़र्ज़ यह है कि वो उस चीज़ को सब लोगों को सिखाए और हम सब लोगों को एक साथ जो है वो ग्रो करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, टाउन हॉल मीटिंग ख़त्म हो चुकी है, हमारा छुट्टी का टाइम था, अभी मैं निकल रहा हूँ। और टाउन हॉल मीटिंग बहुत अच्छी रही, इसमें हर किसी ने अपना अपना जो प्रॉब्लम थी वो बताई और अली यासिन साहब, अदनान साहब, उन्होंने उसके सोल्यूशन बताए, उसके जितने भी मसले थे वो सारे डिस्कस हुए, जो जो जिस चीज़ को प्रॉब्लम थी और फर्दर इसमें क्या इम्प्रूवमेंट लेके आनी है ये भी बंदों ने बताया। इमरान भाई ने भी अपना जो कंट्रीब्यूट था वो किया, नाजिश भाई, और इसमें क्विज कंपटीशन में जो विनर रहे वो मेरे ख्याल में सबूर और एक और लड़का था आई थिंक, और बाकी सब भी अच्छा कंपटीशन अच्छा रहा जो क्विज कंपटीशन हुआ। तो इसके अलावा और बहुत कुछ था, रिफ्रेशमेंट भी थी, हमें रिफ्रेशमेंट तो बहुत पसंद आई। दूसरा, अली यासिन साहब का दिल से शुक्रिया, अदनान साहब का शुक्रिया और सारे लकी एनर्जी जितनी भी टीम उनका दिल से थैंक यू। इस तरह के इवेंट जो ऑर्गेनाइज करते हैं और इसमें हमें बढ़ चढ़ के बात करने का मौका मिलता है और हमें अच्छा फील होता है जब हम एक साथ मिलके बैठते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम कभी भी, या ना तो इस तरह का गेट टुगेदर होता है, ना कभी इस तरह मिलके बैठते हैं, ना हम कोई दिल की बात शेयर कर पाते हैं। इसमें पूरी टीम जो है एक साथ थी, अच्छा कम्युनिकेशन होता है और हर एक की प्रॉब्लम्स जो हैं वो पता चल जाती हैं और उसके सॉल्यूशन पता चल जाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अब्दुल्ला व्लॉग को सब्सक्राइब करने मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।